वायरल गोदाम में आप सभी का स्वागत है। वायरल गोदाम की जो सब्सक्राइबर फैमिली है वो अब 1000 का आंकड़ा पार कर चुकी है, और इसके लिए वायरल गोदाम की टीम की तरफ से आप सभी को पूरे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू सो मच। ये 1000 का जो बैरियर है इसको पार कराने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम टॉपिक पे आते हैं। इस साल मिलने वाले खेल अवार्ड्स के लिए एथलीट्स के नामों का ऐलान कर दिया गया है। खेल मंत्रालय ने बताया कि समितियों की सिफारिशों के आधार पर और उचित जांच के बाद सरकार ने इन सभी खिलाड़ियों को अवार्ड के लिए चुना है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। यह सम्मान उन्हें 9 जनवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की घोषणा की है। इस बार अलग अलग खेलों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। मोहम्मद शमी ने हाल ही में समाप्त हुए वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन दिया था। मोहम्मद शमी को वर्ल्ड कप के शुरुआत 4 मैचों में जगह नहीं मिली थी, लेकिन इसके बाद भी वो टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। मोहम्मद शमी ने टूर्नामेंट में खेले 7 मैचों में 24 विकेट झटके थे। मोहम्मद शमी के धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचने में सफल रही थी। ऐसे में खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार के लिए मोहम्मद शमी का नाम सिफारिश के तौर पे दी थी। बता दें कि इस साल जिन 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिल रहा है उसमें मोहम्मद शमी एकमात्र क्रिकेटर हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।